भैया हमारा इंटरव्यू हुआ है ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, लेकिन हमें ऑफर लेटर आया है किसी मैनपावर रिक्रूटिंग कंसल्टिंग फर्म से। कंपनी से पूछा तो वो कह रही है कि थर्ड पार्टी रोल्स पे होंगे आप, मतलब आप ओरेकल के जहां पर आपका इंटरव्यू हुआ है उस कंपनी के रोल्स पे नहीं होंगे, लेकिन आप काम ओरेकल के अंदर ही करोगे, लेकिन आप रोल्स पे होगे एक थर्ड पार्टी के। ऐसा करने से मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे ओरेकल का लूंगा? क्या मैं अपने सीवी में दिखा पाऊंगा कि मैं ओरेकल का एम्प्लॉय था? क्या मुझे वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक ओरेकल के एम्प्लॉय को मिलते हैं? क्या मुझे वो सब एमोल्यूमेंट्स, वो सब फ्रीबीज मिलेंगे जो ओरेकल के एम्प्लॉयज को मिलते हैं? क्यों ओरेकल ने मुझे अपने रोल पे नहीं रखा और किसी थर्ड पार्टी के रोल पे डाल दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मुझे निकालना चाह रहे हैं, ये लोग कुछ समय बाद निकाल देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं? हेलो एंड वेलकम गाइस, आई एम CSCSCMA निखिल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मिथ्स अराउंड द थर्ड पार्टी पेरोल। तो जी हाँ, थर्ड पार्टी पेरोल पे बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को हायर करती हैं। सर क्या होता है थर्ड पार्टी पेरोल? थर्ड पार्टी पेरोल का मतलब ये है कि आप काम तो करोगे कंपनी के लिए, कंपनी के प्रमाइसिस में, कंपनी के लोगों के साथ मिलके, लेकिन आप किसके एम्प्लॉय कहलाओगे? आप एम्प्लॉय कहलाओगे किसी और कंपनी के या किसी मैनपावर रिक्रूटिंग फर्म के, किसी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के। सर कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? क्या वो हमें निकालना चाहती हैं? किसी भी मिथ से दूर रहिए, कंपनी का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको रख के आपको निकाल देंगे। ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि वो अपना मैन पावर काउंट कम कर सके। ग्लोबल लेवल पे स्पेशली जो MNCs होती हैं उनमें रिस्ट्रिक्शन होती है मैन पावर काउंट को लेकर, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको कुछ एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कंपनी को वो वाले काम करने के लिए। वो वाले रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कंपनी के लिए, कंपनी अपने रोल्स पे नहीं रख सकती, इसलिए कंपनी रखती है थर्ड पार्टी रोल्स पे। जी नहीं, इससे आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सर क्या वो सब बेनिफिट्स जो ओरेकल के या उस कंपनी के एम्प्लॉयज को मिलते हैं क्या वो हमें भी मिलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, वो सारे बेनिफिट्स जो उस कंपनी के नॉर्मल पेरोल एम्प्लॉयज को मिलते हैं वो आपको भी डेफिनेटली मिलेंगे। सर क्या शॉर्ट टर्म में वो कंपनी हमें निकाल देगी अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? दोस्तों वो तो शॉर्ट टर्म में वो कंपनी अगर आप उसके रोल्स पे होगे तो भी निकाल देगी अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप थर्ड पार्टी पेरोल पे हो या कंपनी के पेरोल पे हो, आपको निकालने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो। सर क्या सैलरी पैकेज में डिफरेंस होगा उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट कंपनी के रोल्स में है और उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी रोल्स में है? जी नहीं, सैलरी पैकेज बिल्कुल सेम होगा उन सब एम्प्लॉयज के लिए जो उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम अपने सीवी में ये लिख पाएंगे कि हम उस कंपनी के रोल्स पे हैं? क्या हमें उस कंपनी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा? जी हाँ, इन दोनों सवालों का जवाब है हाँ। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आप अपने सीवी पे लिख भी पाओगे कि आप उस कंपनी के साथ काम करते थे। अगर फ्यूचर में जाके जो आपको सैलरी स्लिप किसी और मैन पावर कंसल्टिंग की मिल रही है, अगर फ्यूचर में जाके कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आपकी सैलरी स्लिप उस कंपनी की क्यों नहीं है, तो आप सिंपल से कह दोगे कि हम मैन पावर कंसल्टिंग के रोल्स पे थे, थर्ड पार्टी रोल्स पे थे। और जी हाँ, आपका जो नेक्स्ट इंटरव्यूअर होगा वो इस बात को समझेगा, ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है। प्लीज अपने माइंड में मिथ मत रखिए कि जो कंपनीज अपने रोल पे नहीं हायर करती वो कंपनीज आपको कुछ लेस एडवांटेज दे रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। And trust me, at the end of the day, it is the experience that matters. Even अगर आप third party roles पे हैं, लेकिन आप अपना experience ले रहे हैं एक जबरदस्त MNC से, for example LG, Samsung, तो आपका career अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि वहां जो learning opportunities आपको मिलेंगी, वहां पर जो experience आपको मिलेगा, that will enrich your career. So, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे थर्ड पार्टी रोल पे हैं, चाहे आप कंपनी के रोल पे हैं, आपको इक्वल बेनिफिट्स मिलेंगे हर तरह से। तो कोई भी मिथ से दूर रहिए कि कोई कंपनी कैंपस में आई और वो आपको ऑफर कर रही है एक मैनेजरियल पोजीशन, बट आपको थर्ड पार्टी पेरोल के थ्रू ऑफर कर रही है, तो क्या ये डिसएडवांटेजियस होगा? बिल्कुल भी ये डिसएडवांटेजियस नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में है कुछ सवाल जो थर्ड पार्टी मैन पावर रिक्रूटिंग फर्म्स और थर्ड पार्टी पेरोल से रिलेटेड हैं जो मैंने आंसर नहीं करे हैं, प्लीज़ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो यस, बेफिक्र होके, बेझिझक होके काम करिए, एक्सपीरियंस लीजिए और अपना एक अच्छा प्रोग्रेसिंग करियर बनाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और
हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको रिक्रूटमेंट या आपके ऑफर लेटर या एंगेजमेंट लेटर से रिलेटेड कोई भी और दिक्कत है, कोई भी और क्वेरी है, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मैं आपकी सारी क्वेरीज को अच्छे से रिजॉल्व कर दूंगा। बट यस, किसी भी मिथ के चलते, किसी भी एप्रिहेंशन के चलते अपने करियर की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गंवाइएगा मत। ऑल द वेरी बेस्ट।